दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय श्रृंगार पॉइंट जाहू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई ने विश्वविद्यालय की मांगों को लेकर प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष मयंक शर्मा ने कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांगों को लेकर कई बार कुलपति को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि विश्वविद्यालय में हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकालय सुचारू रूप से चलाने और विश्वविद्यालय कैंपस में कैंटीन सुविधा जल्द शुरू की जाए। जो है छात्रों के विभिन्न मांगों के लिए किया गया है, जिसके रिगार्डिंग पहले भी बहुत सारे ज्ञापन दिए गए थे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होने के कारण आज फिर से हमको ये करना पड़ रहा है। इसमें हर डिपार्टमेंट के छात्र हैं, ना कि एबीवीपी न्यूट्रल छात्र भी इस धरने में शामिल हैं। और आने वाले समय में अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी जाती हैं तो एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगा। मुख्य मांगे हैं हॉस्टल की मांग है, कैंटीन की मांग है, लाइब्रेरी की मांग है, ये कुछ मुख्य मांगे हैं। ऑडिटोरियम हो गया, ऐसी कुछ मुख्य मांगे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। अगर करनी है दिवाली और त्योहारों की शॉपिंग तो इस बार कहीं और नहीं बल्कि आइए श्रृंगार पॉइंट जाहू में, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा हर प्रकार का सामान, वो भी ऐसे दामों में जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। शॉपिंग के साथ लीजिए झूलों का आनंद और तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद। तो इस बार कहीं और नहीं, दिवाली की शुभ शॉपिंग सिर्फ श्रृंगार पॉइंट जाहू से।